इक्वेशन की इनकरेक्टनेस बता सकते हैं मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं इनकरेक्टनेस का क्या मतलब है? किसी भी फिजिकल इक्वेशन की मैंने बोला कि दोनों में डिफरेंस है करेक्टनेस बताना और इनकरेक्टनेस बताना दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा मान लीजिए मेरे पास कोई फिजिकल इक्वेशन लिखी है v इज टू यू प्लस एटी

देखिए सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम है और होनी भी चाहिए क्योंकि इक्वेशन सही है अल्टी माइनस वन सारे टर्म्स की डायमेंशन है ये इक्वेशन सही है सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम आ रही है तो इसको बोलेंगे डायमेंशनली कंजिस्टेंट ये इक्वेशन डायमेंशनली कंजिस्टेंट है इसमें सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम आ रही है ये इक्वेशन डायमेंशनली कंजिस्टेंट है होनी भी चाहिए अब आते हैं मान लो हम इसको मॉडिफाई कर दें लिख दें v U 380. क्या बदल जाएगा पहले तो मीनिंग बदल जाएगी वीज इक्वल टू जू प्लस इक्वेशन होती नहीं v U 80 होती है अगर यूनिफॉर्म है तो तो इक्वेशन फिजिकली सही नहीं है लेकिन डायमेंशनली अभी भी सही है एल्टी माइनस वन एल्टी माइनस वन थ्री से क्या फर्क पड़ा थ्री एक नंबर है नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं तो एल्टी माइनस वन अभी भी सारे टर्म्स के डायमेंशन है अभी भी सारे टर्म्स डायमेंशनली कंसिस्टेंट है अभी भी सारे टर्म डायमेंशली कंजिस्टेंट है बट सबकी डायमेंशन सेम होने के बावजूद ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है आपने किसी इक्वेशन में सारे टर्म्स की डायमेंशन चेक की सारे टर्म्स की डायमेंशन मैच भी कर गई इक्वेशन डायमेंशली कंजिस्टेंट भी है बट इससे क्या पता चलता है कुछ नहीं पता चलता हो सकता है वो इक्वेशन सही हो v U के तरह बट हो सकता है कि वो इक्वेशन गलत हो वी इज इक्वल टू यू प्लस थ्री एटी की तरह डायमेंशनल कंजिस्टेंसी फिजिकल करेक्टनेस की गारंटी नहीं देता अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी करेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ए डायमेंशनली कंजिस्टेंट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकती है इट डिपेंड्स इसलिए डायमेंशनल कंजिस्टेंसी फिजिकल करेक्टनेस की गारंटी नहीं इसलिए मैंने बताया कि हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस तो चेक ही नहीं कर सकते मान लीजिए सारे टर्म्स की डायमेंशन मैच कर गई तो क्या बोलोगे करेक्ट है ना जरूरी नहीं हो सकता है सही हो मे और मे नॉट बी बट अगर डायमेंशन मिसमैच कर जाए प्लस ए बाई टी एल्टी माइनस वन एल्टी माइनस वन ए बाई टी एक्सलेन एल्टी माइनस टू अपॉन टी एल माइनस थ्री एल्टी माइनस वन एल्टी माइनस थ्री के साथ एड ही नहीं हो सकता डिफरेंट डायमेंशन की चीजें कभी भी एड नहीं हो सकती डिफरेंट डायमेंशन की चीजें कभी भी एड या सबटैक्ट नहीं हो सकती तो एल्टी माइनस में एल्टी माइनस थ्री के साथ कभी एड नहीं होगा तो जब एल्टी माइनस में एल्टी माइनस थ्री के साथ ऐड नहीं होगा तो पक्की बात है कि डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं और डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज कभी भी ऐड नहीं की जा सकती डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज डायमेंशन में add नहीं different dimension एड नहीं होती डिफरेंट डायमेंशन ऐड नहीं होती यही प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है भाई हम अल्टी अल्टीमाइनस में अल्टीमाइनस नहीं कर सकते तो ये डायमेंशनली इनकंजिस्टेंट है और अगर डायमेंशनली इनकिस्टेंट है डायमेंशनली इनकिस्टेंट होने का मतलब है कि टर्म्स में डायमेंशन मैच नहीं की हम डिफरेंट डायमेंशन की चीजें आइडिया सप्टैक्ट कर रहे हैं तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है डायमेंशनली इनकंजिस्टेंट इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट हो तो आपने समझा मैंने क्या बताया क्या जिस्ट क्या है समरी क्या है कंक्लूजन क्या है तो जिस्ट या समरी या कंक्लूजन ये है कि आप किसी इक्वेशन की डायमेंशंस चेक करो अगर इक्वेशन की डायमेंशन चेक करने के बाद सारे टर्म्स की डायमेंशन मैच कर जाए तो इससे कुछ नहीं पता चलता फिजिकली करेक्ट भी हो सकती है इनकरेक्ट भी हो सकती है बट अगर मिसमैच हो डायमेंशंस सेम ना बैठें डायमेंशंस इनकन्जिस्टेंट हो तो पक्की गारंटी है कि इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस से करेक्टनेस का पता चले चाहे ना चले इनकरेक्टनेस का पता जरूर चल जाता है इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजूनिटी को यूज करते हैं इक्वेशन की इनकरेक्टनेस निकालने में करेक्टनेस निकालने में नहीं यूज करते किसमें करते हैं इनकरेक्टनेस ठीक समझ गए होगे इक्वेशंस चेक करो डायमेंशन मैच नहीं की बस